थोड़े में केवल प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष जी, जो जवाब आया है वो काफी नपातुला है, और मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, मैं उस शब्द को स्वीकार करता हूँ जो धरती की धूली से रमा हुआ है। मैं इस जवाब के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगस्त क्रांति का महीना है और देशभक्ति की उमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच जो छिटकती हुई बिजलियाँ हैं उनके दीप सदन में उपस्थित हैं। गुरनाल ने प्लीज द एशियन ड्रामा में एक स्थान पर लिखा है, द इंडियन सोसाइटी ए चेंज रिसिस्टिंग सोसाइटी रेदर देन चेंज इंड्यूसिंग सोसाइटी। दूसरी जगह उसने प्रीफेस में लिखा है, द वेस्टेड इंटरेस्ट इन आइडियाज इज मोर डेंजरस देन द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ देन द एटम बम। मैं इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी का जो जवाब आया है कि विशेषता लिए हुए ब्यूरोक्रेसी आती है और उनकी विशेषता से लाभ उठाने के लिए पॉलिटिकल कार्यपालिका उसका लाभ उठाती है। इस सदन के पॉलिटिकल कार्यपालिका इस सदन के प्रति जिम्मेदार है और पॉलिटिकल कार्यपालिका ही सरकार चलाती है, शासन चलाती है, और जो ब्यूरोक्रेसी है वे उसके हथियार हैं। इसलिए हम जानना चाहते हैं, अगर पुरातन के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर अगर ब्यूरोक्रेसी को आप नियुक्त करते हैं तो यही तथ्य है, पॉलिटिकल कार्यपालिका के संबंध में क्यों न उठाया जाता है? सिंह जी प्रश्न पूछ, हम इस प्रश्न के जवाब देने के पहले मैं एक जो जवाब आया है उसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि जो जवाब आया है उस जवाब में अध्यक्षा जी मैंने किताब पढ़ी थी बर्नार्ड शॉ की। बर्नार्ड शॉ की उम्र 75 वर्ष थी। एक सिनेमा नायिका उसके नजदीक गई, बर्नार्ड शॉ से कहा, आप बड़ा तेजस्वी हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा, क्यों हमसे क्यों शादी करना चाहती हो? अब तो मेरा शरीर भी 75 से ज्यादा हो गया है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो उस नायिका ने कहा मैं चाहती हूँ कि आपके संयोग से जो बच्चा हो उसका दिमाग बर्नार्ड शॉ का हो और उसका शरीर हमारे जैसा हो। बर्नार्ड शॉ ने कहा, मानो कि बर्नार्ड शॉ का शरीर हो गया और न्यायिका की दिमाग हो गई, तब क्या होगा? आज यही स्थिति हो रही है कि न्यायिका का दिमाग और बर्नार्ड शॉ का शरीर ये हमारे सामने उपस्थित है। इसलिए अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री से, क्या धन्यवाद नियुक्ति करने में जो पैसे खर्च हुए हैं क्या उनको नियुक्ति करने के बदले जो हमारे कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो सेवा में हैं, क्या उनको ट्रेंड करने के लिए आप उस पैसे को खर्च नहीं किया जा सकता है? हम ये इसलिए भी जानना चाहते हैं, बस हो गया ये प्रश्न, जानना चाहता हूँ क्या उस पर पैसा खर्च किया जा सकता है या नहीं? यस मंत्री जी, अब आपकी परीक्षाएं थोड़े में ठीक उत्तर देंगे। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दार्शनिक प्रश्न है और थोड़ा समझने में समय लगा। इसका पहला अंश जो मैं समझता हूँ मेरे संदर्भ में कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स का निश्चय ही संवैधानिक स्थिति भी यह है कि दे आर टू एसेंशियल पिलर्स, एक एग्जीक्यूटिव और पॉलिटी उनका ये अर्थ था। दूसरा उनका कहना था कि ये इस तंत्र में ब्यूरोक्रेट भी एक यंत्र है, सो सर्टनली ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट इज एन एसेंशियल टूल ऑफ गवर्नेंस, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें मैक्सिमम गवर्नेंस का मंत्र दिया है, निश्चय ही वी कैन नॉट अचीव गुड गवर्नेंस विद बैड टूल्स और बैड सिविल सर्वेंट। दूसरा इनसे ये सबक सीखा। तीसरा बॉडी एंड ब्रेन के बारे में, तो मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्ष में पूरी तरह प्रयास किया गया है
दैट बॉडी एंड ब्रेन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज कैप्ट इन प्लेस। और उसी संदर्भ में तथ्यों के आधार पर भी एक बात जोड़ दूं कि वर्तमान सरकार ने मार्च 2016 में एक DOPT के अंतर्गत ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार करने का प्रयास किया है, जिसमें एक मैकेनिज्म उस प्रकार का विकसित किया जाए जिसकी ओर माननीय सदस्य इशारा कर रहे थे कि किस प्रकार कंसल्टेंट्स की नियुक्ति हो। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणी के कंसल्टेंट रहते हैं, कुछ एक ऐसे के जो एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं, यदि वो जाते हैं तो वो मार्केट स्तर की सैलरी या अथवा वेतन लेना चाहते हैं तो वो त्यागपत्र दे दें, या वो डोमेस्टिक कंसल्टेंट्स हैं जिन्हें बाहर से हायर किया जाता है, तो उस स्थिति में क्या मैकेनिज्म रहे उसके लिए भी अभी ये गाइडलाइंस अभी जेरे गौर हैं, इनको अभी अमली जामा नहीं पहनाया गया। परंतु इसके अंतर्गत हमने एक स्क्रीनिंग कमेटी रखी जिसमें कंसर्न मंत्रालय का सेक्रेटरी रहेगा, उसी मंत्रालय का फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा, एक प्रतिनिधि DOPT का रहेगा, एक प्रतिनिधि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का रहेगा। यदि 2 वर्ष के बाद उस कंसल्टेंट का अवधि काल आपने बढ़ाना है तो पुनः वो स्क्रीनिंग कमेटी के पास उसका केस जाएगा, लेकिन यदि उसकी वेतन की दर 50,000 से अधिक है और 2 वर्ष से अधिक उसका अवधिकाल रखना है तो फिर एक हायर ऊंचे स्तर की कमेटी रहेगी जिसका अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे और उनके नीचे 3 और सेक्रेटरी, सेक्रेटरी DOPT, सेक्रेटरी कंसर्न मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी फाइनेंस रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये कि बॉडी के अंदर से ब्रेन ना हिले इसको लेकर के बड़ा चिकित्साजनक ढंग से एक प्रयास किया जा रहा है। सप्लीमेंट्री केवल प्रश्न, मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूं, जो जवाब आया है उसके आलोक में मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी को अगर तैरना नहीं आता है और तैरने के लिए क्या उसको कहा जाएगा कि पहले सूखे में तैरना सीखो उसके बाद नदी में उतरने दें? क्या उसे कहा जाएगा कि नदी में उतरो, कुछ पानी पियो और उसके बाद तुम तैरने तुझे आ जाएगा? क्या मैं जानना चाहता हूँ कि आप तैरने के लिए जो नए कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, क्या उनको कहेंगे कि पहले सूखे में तैरो उसके बाद नदी में उतरने देंगे? नहीं, निश्चय ही सिविल सर्विसेज को लेकर के भी कुछ रीमॉडलिंग का प्रयास प्रशिक्षण के स्तर पर भी हो रहा है, उसको लेकर के DOPT के अंतर्गत एक कमेटी का भी गठन किया गया है। प्रयास ये रहेगा कि वो दोनों तरह तैर सके, बिना पानी के भी और पानी के भी, और इसलिए एक समिति का गठन किया गया है टू रीविजिट दी सिलेबस एंड दी सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, उसकी रिपोर्ट भी अपेक्षित है थोड़े ही समय में, वो भी आ जाएगी। कहने का तात्पर्य ये कि पहले से ही हम इस दिशा में प्रयासशील हैं।